नमस्कार, मैं रमेश भंसाली और आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज। जी हां, एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जी हां, मुंबई पुलिस ने सोमवार रात एक ऑटो रिक्शा चालक को महिला के सामने हस्त मैथुन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुंबई के कांदिवली इलाके में ये महिला ऑटो में बैठी थी, जो अपने घर पहुंचने को लेकर बेफिक्र थी, जैसा अमूमन होते हैं सभी। मगर रास्ते में ऑटो चालक की अश्लील हरकतों ने महिला का बैठना दुश्वार कर दिया। इससे परेशान होकर महिला घबरा गई और कुछ अनहोनी हो उससे पहले ही स्थिति को भांप कर तुरंत ही ऑटो से उतर गई और तत्काल अपने मित्र को घटना की पूरी जानकारी दी। लड़की के दोस्त ने भी जागरूकता का परिचय दिया और इस घटना को तुरंत ही ट्वीट किया मुंबई पुलिस के ऑफिशियल हैंडल पर और ट्वीट कर लिखा, नमस्कार मुंबई पुलिस, कांदिवली स्टेशन से आज रात 10:50 पर मेरी दोस्त को एक ऑटो रिक्शा चालक ने रिसीव किया। रास्ते में रिक्शे के शीशे में मेरे दोस्त को देखकर रिक्शा चालक हस्त मैथुन कर रहा था। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, वो घबरा गई और बीच रास्ते में ही उतर गई। ऑटो का नंबर है MH02UA/VA5177। वो अभी भी बाहर घूम रहा है। इस ट्वीट के बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया और मामला दर्ज करते हुए मंगलवार दोपहर ऑटो रिक्शा चालक को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी ऑटो रिक्शा चालक का नाम संदीप शुक्ला बताया जा रहा है। पुलिस ने अपनी विवेचना के आधार पर यह बताया कि युवती धनुकरवादी के लिए कांदिवली स्टेशन से बाहर ऑटो में सवार हुई। इसके बाद जब ऑटो रिक्शा MG रोड पर पहुंचा तो महिला ने रियर व्यू मिरर से देखा कि ऑटो चालक संदीप शुक्ल हस्त मैथुन के जरिए खुद को खुश कर रहा है। महिला ने उसे रुकने के लिए कहा और बीच में ही अचानक उतर गई। फिर उसने जागरूकता का परिचय देते हुए अपने दोस्त को सूचित किया, जिसने मुंबई पुलिस को इस उत्पीड़न की पूरी जानकारी दी। जाहिर सी बात है कि महिला उस वक्त इतनी घबरा गई थी कि किसी को इस बारे में वो बता भी नहीं पा रही थी। हालांकि कुछ ही देर बाद उसने अपने साहसी होने का परिचय देते हुए हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाकर एक दोस्त को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी, जिससे पीड़ित के दोस्त ने सोमवार को ही इस घटना के बारे में ट्वीट किया और मुंबई पुलिस के आधिकारिक हैंडल को टैग किया। तब जाकर आखिरकार इस मामले में प्रकाश डाला गया और कार्रवाई शुरू की गई। मुंबई पुलिस के सोशल मीडिया सेल से सूचना मिलने के बाद कांदिवली पुलिस ने पीड़िता का बयान भी दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354A और 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया, जहां पुलिस ने CCTV फुटेज का सहारा लेकर ऑटो चालक के ठिकाने का पता लगाया और आरोपी को हनुमान नगर कांदिवली स्थित उसके घर से गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने यह बताया कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध कबूल भी कर लिया है। तो यहां पर हम उस महिला के साहसी होने और धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने की और उसके मित्र की जागरूक होने की प्रशंसा करते हैं और साथ ही कड़ी निंदा भी करते हैं उस ऑटो चालक की, जिसके कारण पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उससे जुड़े जितने भी दूसरे लोग हैं उनकी छवि खराब होती है, धूमिल होती है। तो खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा और इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ न हो, आपके परिवार की महिलाओं के साथ न हो, इस बारे में जागरूक होने का परिचय भी देते रहिएगा, जैसे उक्त महिला ने और उसके दोस्त ने दिया। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के कृत्य न करें, जिससे आपके कारण दूसरे लोग भी बदनाम हों। अब दीजिए अपने साथी निमिष भंसाली को इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।